बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड वन साइंस का यूनिट नंबर 4 प्लांट्स की रिमेनिंग स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग लीव्स। लीव्स मीन पत्ते। लीव्स ग्रो ऑन प्लांट्स। लीव्स कहाँ पर ग्रो करते हैं? प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। Plants store their food in leaves, stem and roots. Plant अपना food जो है वो store करता है leaves में, stems में और roots में अपना food जो है वो store करता है. Leaves are usually green and have many different shapes. Leaves जो होते हैं वो आमतौर पर किस कलर के होते हैं? Green कलर के होते हैं और leaves की different shapes होती हैं. There are big leaves and small leaves, long leaves and short leaves. Big leaves होते हैं, small leaves होते हैं, long leaves होते हैं और short leaves होते हैं. Some leaves have straight edges and other have spiky or curved edges. कुछ जो leaves होते हैं उनके जो edges होते हैं, edges mean किनारे, जैसे ये coconut palm का लीव है तो इसके किनारे कैसे हैं? स्पाइकी हैं। स्पाइकी का मतलब होता है, स्पाइकी मीन नोकीले होते हैं। कुछ जो लीव्स होते हैं उनके जो एजेस होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, जैसे ये प्लांट है यूकलिप्टस, उसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे इसके जो एजेस के हैं बिल्कुल स्ट्रेट है। और कुछ के कैसे होते हैं? कर्व होते हैं। कर्व मीन कुछ के जो एजेस होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, जैसे ये बनाना है, बनाना ट्री के जो लीव्स होते हैं वो थोड़े से कर्व्ड होते हैं, मैंगो के भी थोड़े से कर्व्ड होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं और कर्व होते हैं। अब यहाँ पर प्लांट जो है वो गिवन है, उनके लीव्स के लीव्स गिवन है और प्लांट के नेम है। कोकोनट पाम, कोकोनट पाम का ये लीव है। यूकलिप्टस, यूकलिप्टस, यूकलिप्टस का लीव है। बनाना, बनाना ट्री का ये लीव है और ये कैसे, इसके एजेस कैसे कर्व्ड हैं, लीव्स के जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं। मैंगो, मैंगो के ये लीफ है। पपाया, पपाया प्लांट के ये लीव्स हैं, जो इसके एजेस हैं वो कैसे हैं, वो थोड़े बहुत स्पाइकी हैं। पाइन, पाइन ट्री के जो हैं ये लीव्स हैं और इस लीव इनके जो लीव्स के जो एजेस हैं वो कैसे हैं, स्पाइकी हैं। नीम, नीम ट्री, जो नीम का दरख्त होता है उसके ये पत्ते हैं और इस इनके लीव्स, नीम ट्री के जो लीव्स हैं उनके एजेस भी कैसे हैं, स्पाइकी हैं। पीपल, पीपल भी एक प्लांट होता है तो उसके जो लीव्स हैं, लीव्स के जो एजेस हैं वो स्पाइकी हैं, मीन नोकीले हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स ग्रो ऑन ट्रीज, बुशेस एंड अदर काइंड ऑफ प्लांट्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? फूल। फूल कहाँ पर ग्रो करते हैं? ट्रीज़ पर। बुशेस, बुशेस क्या होती हैं, यानी कि झाड़ियाँ, वहाँ पर फ्लावर्स ग्रो करते हैं। एंड अदर काइंड ऑफ प्लांट्स, और दूसरे किस्म के जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उन पर फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स हैव मैनी फ्लावर्स, अदर हैव अ फ्यू। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं उनके पास, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके पास बहुत थोड़े बहुत से फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स। फ्लावर किससे ग्रो करते हैं? बर्ड से। पहले बर्ड होता है, बर्ड के बाद जो है वो फ्लावर बनता है। फ्लावर्स मेक अ गार्डन लुक ब्यूटीफुल। फ्लावर्स यानी कि जो फूल होते हैं वो गार्डन को, बाग को खूबसूरत बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। There are flowers of different, of many different colors, shapes and sizes. यहाँ पर जो है different colors के जो flowers हैं वो यहाँ पर present हैं, उनके different shapes हैं और sizes हैं। Hibiscus, poppy, third one flower is sunflower, marigold, lily. देखिए इन सारे फ्लावर्स की शेप्स भी डिफरेंट हैं, इनके कलर्स भी डिफरेंट हैं और इनके साइजेस भी डिफरेंट हैं। सम फ्लावर्स हैव मैनी पेटल्स,
others only have a few. कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स बहुत सारे होते हैं, और कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स क्या होते हैं, बिल्कुल फ्यू होते हैं. फ्यू मीन थोड़े बहुत होते हैं. पेटल्स क्या होते हैं, लाइक लिली. लिली के जो ये तकरीबन पर्पल कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पेटल हैं. सनफ्लावर, सनफ्लावर के पेटल कौन से हैं, जो येलो कलर के हैं, ये क्या है, सनफ्लावर के पेटल हैं. हिबिस्कस, हिबिस्कस के जो ये येलो कलर के हैं पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पेटल हैं हिबिस्कस के. सम पेटल्स आर स्मॉल एंड अदर्स आर लार्ज. कुछ जो पेटल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, मीन छोटे होते हैं, और कुछ पेटल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियाँ. मैनी प्लांट्स ग्रो फ्रूट्स. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या ग्रो करते हैं, फ्रूट्स को ग्रो करते हैं. फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स. फ्रूट किससे ग्रो करते हैं, फ्लावर से. जैसे पहले बताया था फ्लावर किससे ग्रो करता है, बर्ड से, इसी तरीके से जो फ्रूट होते हैं वो फ्लावर से ग्रो करते हैं. पहले बर्ड होता है, बर्ड से फ्लावर बनता है, और फिर फ्लावर से फ्रूट बन जाते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं. लाइक स्ट्रॉबेरी प्लांट, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी प्लांट का ये देखें, ये क्या है, फ्लावर्स. अब इन फ्लावर्स से क्या बन गई है, स्ट्रॉबेरीज बन गई हैं. अब यहाँ पे वेजिटेबल्स गिवन है. सम वेजिटेबल्स आर द लीव्स और स्टेम्स ऑफ प्लांट. कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं वो प्लांट्स के लीव्स या फिर स्टेम होते हैं. लाइक एग्जाम्पल है स्पेनिच. स्पेनिश जो है मीन पालक, ये क्या है, ये प्लांट के लीव्स हैं. सम प्लांट्स, सम वेजिटेबल्स ग्रो ऑन ब्रांचेस एंड स्टेम. कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं वो ब्रांचेस और स्टेम्स पर ग्रो करते हैं. लाइक टोमेटोस, ग्रीन बीन्स. टोमेटो भी क्या है, ये ब्रांचेस पर ग्रो करता है. सम वेजिटेबल्स आर रूट. कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रूट होते हैं. रूट मीन जड़े होते हैं. दे ग्रो अंडरग्राउंड. और ये वेजिटेबल जो होते हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, मीन ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं. इसमें एग्जांपल है कैरेट. कैरेट क्या है, ये भी अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर ग्रो करता है. नेक्स्ट इज रेडिश. रेडिश मीन मूली. तो रेडिश भी अंडरग्राउंड जो है वो ग्रो करती हैं.